जब ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि वी मस्ट ट्रस्ट आर मशीन्स एंड वी मस्ट ट्रस्ट दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब सुप्रीम कोर्ट ही उनपे ट्रस्ट करती है तो उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर हम सरकार पे ही ट्रस्ट करने लगे, मशीनों पे ही ट्रस्ट करने लगे, तो फिर सब सब मशीन के द्वारा काम होना चाहिए। और कोर्ट्स हैं किसके लिए? अरे कोर्ट्स तो इसीलिए हैं कि अगर सरकार पे ही आपको ट्रस्ट करना है तो आप छोड़ दीजिए, फैसले देने छोड़ दीजिए। तो इसके बारे में मैं ऐसा कैसा कहूंगा, ये बड़ा भारी मुद्दा है, इसके बारे में मैं बाद में टिप्पणी करूंगा। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है पिछले 2014 के बाद, उसके बारे में भाई सभी विपक्षी दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या संवैधानिक संस्थाएं इस रवैये को अपनाकर क्या हमारे देश में फ्री एंड फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अलग मुद्दा है, इसमें ईवीएम की इश्यू भी शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले भी शामिल हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया भी शामिल है, इससे इलेक्शन कमीशन किस तरह से शेड्यूल करती हैं वो भी शामिल है। ये तो बहुत भारी मुद्दा है और विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बारे में कमी कहा जाए तो अच्छा है, उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा, और हम इस पे, मैं समझता हूँ विपक्ष इस पे कार्रवाई करेगा और करनी चाहिए।